माशाल्लाह आप दे सकते हैं, सेवियां हमारी बहुत ही मज़े की बनी हैं। आप ज़रूर मेरे तरीके से बनाएं, इसका टेस्ट लें, हमने कैसे बनाई है, मज़े की है कि नहीं। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। आप मेहमानों के लिए बनाएं, ईद पर बनाएं। एक चम्मच ऑयल डाल लेंगे, थोड़े से बादाम डाल लेंगे, थोड़ी सी सौंगी डाल लेंगे, ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बारीक कटी हुई गरी डाल लेंगे, कटी हुई खजूरें डाल लेंगे, सब चीज़ों को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। चूल्हे की आंच को बिल्कुल कम रखना, ज़्यादा नहीं रखना, सब चीज़ों को ना थोड़ा सा रोस्ट करना है, इसे ज़्यादा पकने नहीं देना, थोड़ा सा पकाने से ये सब चीज़ों का टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। वीडियो को पूरा देखें फिर आपको पता चलेगा आज मैंने बहुत ही मज़े की सेवियाँ बनाई हैं। आप पुराने तरीके छोड़ें सेवियाँ बनाने के, मेरे तरीके से ये नए तरीके से सेवियाँ बनाकर आप खाएं। आप दे सकते हैं, सोंगी भी फूल चुकी है, चूल्हे को बंद कर देंगे, इतना ही से पकाना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना। ना बर्तन में निकाल लेते हैं, आधा कप ऑयल डाल लेंगे, ऑयल अपने हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर आप घी खाते हैं तो घी डाल सकते हैं। एक प्याली सेवियाँ डालेंगे, सेवियों को मैंने तोड़ ली है, ये मैंने मोटी वाली सेवियाँ ली हैं, आप बारीक वाली सेवियाँ भी ले सकते हैं। सेवियों को 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे, इसे ज़्यादा नहीं बिल्कुल भी पकाना, ये पहले ही भुनी हुई, ये पहले ही भुनी हुई रहती है, 1 मिनट के लिए इसे रोस्ट करना बस, ऐसे ना घी भी पक जाता है, सेवियाँ भी थोड़ी सी रोस्ट हो जाती हैं। 1 मिनट के लिए मैंने सेवियों को पका लिया, एक प्याली मैंने सेवियाँ डाली थी, 2 प्याली पानी डाल लेंगे, पानी आप थोड़ा कम भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ये मैंने दूसरी प्याली पानी डाल लिया। ओके, छोटी प्याली के साथ मैंने चीनी ली है, चीनी डाल लेंगे, चीनी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, मिक्स कर लेंगे, साथ में ड्राई फ्रूट डाल लेंगे, ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा है तो ज़्यादा डाल लें, कम है तो कम डाल लें, वो कोई मुश्किल नहीं है। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया ड्राई फ्रूट डाल के, अब इसे थोड़ा गाढ़ा होने तक पका लेते हैं, साथ में हमारी सेवियाँ भी फूल जाएंगी और पानी भी खुश्क हो जाएगा सेवियों का। इस तरीके से सेवियाँ बहुत ही मज़े की बनती हैं। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत ही कम चीज़ों से, कम मसालों से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाती हूँ। चूल्हे की आंच को कम कर लेंगे, इसे गाढ़ा होने तक पकने देंगे। सेवियों का पानी खुश्क हो चुका है, चूल्हे की आंच को मैंने बिल्कुल कम रखा था। एक बार ना इसे मिक्स कर लेंगे, आप दे सकते हैं सेवियों का पानी बिल्कुल कम हो चुका है। 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। 10 मिनट हो चुके हैं ढक्कन लगाए हुए, चेक कर लेंगे, माशाल्लाह देखिए सेवियाँ कितनी अच्छी बनी हैं। चूल्हे को बंद कर देते हैं, चूल्हे को मैंने बंद कर दिया, आप दे सकते हैं कितनी अच्छी सेवियाँ बनी हैं। प्लेट में डाल लेंगे, माशाल्लाह ये बहुत ही खिली खिली बनी है,
माशाल्लाह आप दे सकते हैं, सेवियां हमारी बहुत ही मजे की बनी हैं। आप जरूर मेरे तरीके से बनाएं, इसका टेस्ट लें, हमने कैसे बनाई है, मजे की है कि नहीं। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। आप मेहमानों के लिए बनाएं, ईद पर बनाएं, जैसे मर्जी बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी हैं। और ये तरीका भी बहुत ही आसान है सेवियां बनाने का। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।